वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी चैनल पर। और आज की वीडियो में आप सभी के लिए अप्रैल मंथ में होने वाले ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए ये पहला टेस्ट पेपर है, ठीक है। तो आपको डेली 8 बजे ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर टेस्ट मिलेगा, जो कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां आपको डेली 8 PM पर एक लाइव टेस्ट मिलता है, जिसमें आप एक टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्रिपल सी को आप आसानी से पास कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो आज के सेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से आप सभी लोग टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए और चलिए देखते हैं आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में जूम परसेंटेज का अधिकतम मान कितना है। एमएस पावर पॉइंट में जूम परसेंट का अधिकतम मान क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिया हुआ है 100%, 300%, 200% एंड 400%, ठीक है। जिन स्टूडेंट का अप्रैल मंथ में एग्ज़ाम होगा उन सभी के लिए ये टेस्ट नंबर 1 है। कंटिन्यू टेस्ट करेंगे, ठीक है। आपको डेली 8 PM पे एक टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसको आप आसानी के साथ सॉल्व करेंगे, एक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ट्रिपल सी एग्जाम को क्लियर करने में, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए फटाफट, ठीक है। तो इसका आंसर मैं क्लियर कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 400 आप 400% जूम कर सकते हैं एमएस पावर पॉइंट में, ठीक है। और एमएस एक्सेल की बात की जाए तो एमएस एक्सेल में भी 400 कर सकते हैं, बट अगर वर्ड की बात की जाए तो वर्ड में 500% जूम कर सकते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड में 500% जूम कर सकते हैं, बाकी के 400% जूम कर सकते हैं। काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक्सेल एप्लीकेशन में एक फंक्शन होता है, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से आंसर करिए। एक्सेल एप्लीकेशन में एक फंक्शन होता है, चिन्ह के साथ प्रारंभ होता है, साधारण तथा जटिल गणनाएं करने के लिए, एक रेडीमेड फार्मूला या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक रेडीमेड फार्मूला। एक्सेल एप्लीकेशन में एक फंक्शन, एक रेडीमेड फार्मूला होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी, 3, ठीक है। तो 3 कंट्रोल बटन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कट कमांड सूचना या डेटा को कहाँ सेव करती है। तो जब हम कट करते हैं, किसी मैटर को कट कर लेते हैं, तो जो भी हमारी सूचना होती है वो कहाँ सेव हो जाती है, डेस्कटॉप पर, क्लिपबोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या प्रिंटर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लिपबोर्ड में, ठीक है। क्लिपबोर्ड में आपकी सूचना सेव हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की होती हैं, टोटल फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 10, 100, 12 या 1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12, ठीक है। फंक्शन की संख्या 12 होती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड को मापा जाता है गीगाबाइट, गीगाहर्ट्ज, बिट्स या मेगाबिट्स में। कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड को किस में मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गीगाहर्ट्ज में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल यू की कॉम्बिनेशन का प्रयोग होता है, ठीक है। कंट्रोल यू की कॉम्बिनेशन का प्रयोग होता है फाइल को मूव करने में, फाइल को यू डायरेक्टरी में मूव करने में, फाइल को यू डायरेक्टरी से मूव करने में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कंट्रोल यू का आप कब प्रयोग करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। इन उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल यू से क्या होता है, अंडरलाइन होता है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2 दिसंबर, ठीक है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। आंसर करिए, कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गूगल, याहू,
और बॉल फ्रेम अल्फा सभी हैं, बट Y2 जो है वो सर्च इंजन नहीं है। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से। क्वेश्चन नंबर 10 है, फटाफट आंसर करिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, सिलिकॉन से। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? HTTP का, ठीक है, HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपसे पूछा गया है मल्टी प्रोसेसिंग होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, ठीक है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, CD-ROM, ठीक है, CD-ROM एक ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? CPU में, ठीक है, कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा होता है आपको यहाँ से खोजना है, माइक्रो प्रोसेसर, आउटलुक या अर्थमैटिक लॉजिक। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अर्थमैटिक लॉजिक होता है, ठीक है, कंट्रोल होता है यानी कि कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और तीसरा अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ALU, ठीक है, ALU ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टेक्स्ट को स्कैन करना, ठीक है, डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना, सारे कार्य हैं, बट ये आपका एक बुनियादी कार्य नहीं है, टेक्स्ट को स्कैन करना, ओके। अगला क्वेश्चन है, CPU का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट या ये सभी? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी, ठीक है, CPU के मुख्य घटक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित या असीमित? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सीमित, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? 21 का आंसर करिए, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृत्रिम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न, औसत? 22 का आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सामान्य। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। अगला क्वेश्चन है, ईडीपी क्या है, ठीक है, ईडीपी क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को या ये सभी?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकत्रित डेटा को। सूचना किसे कहते हैं? एकत्रित डेटा को, कंप्यूटर के द्वारा एकत्रित डेटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? डेटा किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका इनपुट। ठीक है, कंप्यूटर में जो डेटा जाता है, जो यूजर के द्वारा डेटा कंप्यूटर को दिया जाता है, उसको हम लोग इनपुट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने, बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, या बैंकों की शाखाएं, या इनमें से कोई नहीं। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, बिना स्टाफ के नकदी देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं, इनपुट, डेटा, नंबर, या सभी कथन सत्य हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आंसर करिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डेटा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, कौन? डेटा। डेटा को हम इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रोसेसर। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्लेज पास्कल। ठीक है, ब्लेज पास्कल ने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और जल्द ही आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।